हाय फ्रेंड्स, मैं आरती सेठिया। मेरे शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सौंफ से मीठी सौंफ बनाना सिखाऊंगी, उसे चूरी भी कहते हैं। इसे बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही इजी वे से बन जाता है और बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। आप भी एकदम इजीली घर पर इसे बना सकते हैं। मार्केट वाली मीठी सौंफ के अंदर सैक्रीन और कलर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पर आपको बिना कलर और बिना सैक्रीन के आज बनाना सिखाऊंगी मीठी सौंफ। रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और अधिक वीडियो देखने मिले। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एकदम बाजार की तरह ही खुली खुली और वैसा ही सेम कलर आता है जैसे कि बाज़ार में पैकेट वाली मीठी सौंफ आती है। तो आज मैं आपको बिना सैक्रीन, बिना कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ करे हुए मैं आपको ये मीठी सौंफ बनाना सिखाऊंगी, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। इसे मुखवास के रूप में खाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स, मैंने आपको मीठी सुपारी बनाना सिखाया था दो तरह की। आप देख सकते हैं इसके पहले वाला वीडियो, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं आसाम की ही सुपारी ले रही हूँ 150 ग्राम, जिसे मैंने 700 ml गर्म बॉयल पानी के अंदर 2 दिन तक इसे मैंने भिगो कर रखा है, ताकि ये फूल कर सॉफ्ट हो जाए। 2 दिन के बाद आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये सुपारी काफ़ी अच्छी फूल कर एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसे मैंने 2 दिन तक भिगो कर रखा था। ये देखिए, कच्ची सुपारी है जो एकदम चपटी है, और ये भिगी हुई 2 दिन पानी में भिगी हुई सुपारी है, काफ़ी अच्छी फूली हुई है। तो यहाँ पे इस सुपारी को पूरा मैं पानी निकाल कर इसे मिक्सी में एकदम बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए, सुपारी को मैंने एकदम अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे एक बाउल में निकाल कर अलग से। यहाँ पे मैंने 80 ग्राम कत्था लिया है। तो ये कत्थे को हम हवाम दस्ते से थोड़ा कूट कर इसे फोड़ देंगे, ताकि ये घुलने में आसानी से घुल जाए। तो इस तरह से मैंने इसे फोड़ दिया है। कत्थे के अंदर मैं 200 ml पानी मिला लूँगी, और इसे हम अब गैस पर गर्म करने रखेंगे, ताकि अच्छे से घुल जाए और इसका कलर अच्छा आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है, और मैं यहाँ पे लगातार चलाते हुए इस कत्थे को पका रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट तक ही इसे हमें मीडियम आंच पर इसे पकाना है। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो इसका पूरा रंग उड़ जाएगा, तो इस बात का बहुत ही ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। दूसरा एक और तरीका है दोस्तों, इसे अगर आप एक रात पहले ही पानी में भिगो कर छोड़ देंगे 700 ml पानी में, तो भी ये घुल कर अपना रंग पानी में छोड़ देंगे, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो सौंफ ली है। सौंफ को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, जो भी इसमें पत्थर, मिट्टी, कंकर जो भी आते हैं, हम उन्हें एकदम अच्छे से साफ़ करके ही यूज़ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक, या हल्की सी सुनहरी होने तक इसे पका लेंगे, क्योंकि कच्ची सौंफ का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा चूरी में। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी सौंफ एकदम सुनहरी हो चुकी है। अब इसे हम एक अलग से प्लेट में निकाल कर रख लेंगे साइड में। उसी कढ़ाई के अंदर दोस्तों, यहाँ पे मैं 1/2 किलो धाना की गोली को गर्म करूँगी। इसे हमें ज़्यादा नहीं, इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक ही मीडियम आंच पर सेकना है, लेकिन इसे हमें लगातार चलाते हुए सेकना है, नहीं तो ये जल जाएगी। और ये धाना की गोली दोस्तों आपको कोई भी किराने की शॉप पर इजीली मिल जाती है। ये हमारे शरीर में होने वाले रोगों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ठीक करती है। इससे पिंपल्स वगैरह भी नहीं आती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में ठंडक पहुँचाती है। और ये धाना की गोली दोस्तों, अगर हो सके तो आप इस मीठी सौंफ के अंदर इसे अवॉइड ना करें, इसे ज़रूर धाना की गोली इस मीठी सौंफ के अंदर ऐड करें, क्योंकि इससे इसका स्वाद दुगुना बढ़ जाता है। तो इसे ज़रूर मिलाइए। यहाँ पे मैंने सौंफ और धाना की गुली को एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख दिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 किलो चीनी ली है, और चीनी में मैं 200 ml जितना पानी डाल दूंगी, या चीनी डूबे जितना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से चम्मच से हिलाकर घोल लेंगे। यहाँ पे एक दूसरे बाउल में दोस्तों मैंने 30 ग्राम चूना लिया है, और 30 ग्राम चूने के अंदर मैं थोड़े से पानी के अंदर घोल कर इसका एक घोल तैयार कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से मिल जाए मीठी सौंफ के अंदर। चलिए आगे का हम अब चूरी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े से बर्तन के अंदर जो हमारी सेकी हुई सौंफ और धाना की गुली थी उसे डाल दिया है, और उस पर मैंने
सुपारी जो हमने पीस कर रखी थी उसे ऐड किया है, और ये चूने का पानी है। चूने के पानी को हम छलनी से छानकर ही डालेंगे, ताकि इसमें अगर कोई भी कचरा हो या कोई भी चूने के रह जाए वो इसके अंदर ही रह जाए। तो इसे छानकर डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यहाँ पे जो कत्थे का पानी है उसे भी हम छलनी से छानकर ही डालेंगे। छलनी से छानकर डालने के बाद दोस्तों आप इसको एकदम अच्छे से मिला लीजिए हाथ से, जब तक कि एकदम अच्छा कलर ना आ जाए इसमें, तब तक इसे हमें लगातार हाथ से मिलाते रहना है। तो इस तरह से हम इसे मसल मसल कर अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम 5 से 10 मिनट अच्छे से मिला लेंगे, ताकि ये इसमें जो भी कत्था, चूना, सुपारी हमने ऐड करी है वो सब एक दूसरे से अच्छे से घुलकर मिल जाए, और इसमें सब जगह पे एक सरीखा का कलर आ जाए पूरी सौंफ के अंदर। इसलिए इसे मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है 10 मिनट के बाद। तो इसे अब हम छोड़ देंगे, इस पर एक ढक्कन लगाकर इसे हम पूरी रात भर इसी तरह इसी बर्तन के अंदर छोड़ के रखेंगे। दूसरे दिन सुबह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी सौंफ का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है, बिना कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ करे हुए। और यहाँ पे मैं बिना कोई यहाँ पे सैक्रीन भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, हम खाली इसमें चीनी का पानी ऐड करेंगे। जो हमने चीनी का पानी बना कर रखा था वही इसमें हम ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। चीनी का पानी यूज़ इसलिए किया जाता है दोस्तों कि अगर आप जो साबुत वाली चीनी हम इसमें डालेंगे, ऐसी कैसी दाने वाली, तो वो बाद में भी उसका भी पानी ही होना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं हम चीनी का पानी करके ही हम इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि ये पानी पूरा फटाफट से सोख ले सौंफ। इसे 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक मैंने अच्छे से मिला लिया है, ताकि चीनी हर जगह पे यानी अपने हर एक सौंफ के दाने के अंदर घुलकर मिल जाए। अब इसे हम प्लास्टिक की पॉलीथीन के ऊपर सुखा लेंगे धूप में। 2 से 3 दिन धूप में सूखने के बाद ये एकदम अच्छे से सूख जाएगी। हो सकता है अगर आपके यहाँ पे तेज़ धूप हो तो ये 1 से 1.5 दिन में ही सूख कर तैयार हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर आपके यहाँ पे धूप अच्छी नहीं है तो प्लीज़ इसे 2 से 3 दिन अच्छे से सूखने दें, उसके बाद ही इसे एयरटाइट कंटेनर में भर कर रखिए, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाएगी अगर ये एक भी दाना इसमें गीला रह गया तो। और बीच बीच में हो सके तो इसे हाथों से मिक्स करते रहिए, ताकि इसमें चीनी के गुठले कहीं पर बंध कर रह ना जाए। तो ध्यान रखिए दोस्तों। 3 दिन के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये सूख कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। मार्केट के जैसे जो सौंफ आती है वैसे ही ये बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पे मैंने इसमें पान के पत्ते ऐड किए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पान के पत्ते ऐड करने हैं तो आप इसमें पान के पत्ते ऐड कर सकते हैं, और सिल्वर बॉल्स आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर कर रखिए, ये 12 महीने तक ख़राब भी नहीं होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ये एक माउथ फ्रेशनर है। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं दोस्तों। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे हर बार घर पर ही बनाकर खाएंगे, मार्केट से लाना आप इसे बंद कर देंगे। अगर आप सुपारी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, यानी इसे छोड़ भी सकते हैं। बिना सुपारी के भी ये मीठी सौंफ बन सकती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो इसे अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग।